जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है, और आप जो प्यार सपोर्ट हमें प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बड़ा लाभ आने वाले 100 दिनों के अंदर, आने वाले कुछ दिनों के अंदर, और कौन सा बड़ा लाभ हमें दरअसल हो रहा है, वो क्या है, क्या चीज़ें हैं जो हम करें कि हमें बड़ा लाभ हो। क्योंकि आर्थिक रूप से क्राइसिस हम बिल्कुल झेल रहे हैं, अभी तो बहुत अच्छे हालात हैं, धीरे धीरे ठीक होने की ओर जा रहे हैं। बहुत से लोगों की नौकरी चले गए, बहुत से लोगों का व्यापार ठप हो गया, बहुत से लोगों का कई सारे वेतन आधे हो गए, मतलब तकलीफें हैं, निजी तकलीफें हैं क्राइसिस की वजह से, महामारी की वजह से। लेकिन दोस्तों, अभी 2021 में बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव वे में जरूर गई है, लेकिन आने वाले 100 दिनों में एक बड़े लाभ को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, एक बड़ा लाभ आपके साथ कैसे हो सकता है, क्या चीज़ें हैं, और ये क्यों मैं बातें कर रहा हूँ, ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको बिल्कुल बारीकी से समझ आ जाएगा। तो इस वीडियो को हम शुरू करें, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। उससे पहले छोटा सा निवेदन है दोस्तों मेरा, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा ज्योतिष से रिलेटेड सकारात्मक वीडियो मिले, और अपने जीवन से रिलेटेड जो सकारात्मक आइडियाज़ हैं, जो शायद हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम नहीं देख पाते हैं, वो चीज़ें आप समझ पाते हैं हमारे पॉइंट टू पॉइंट बातों से। अपनी कुंडली का अगर आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें और हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क लागू है दोस्तों। इसके अलावा आप कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जो भी आपका मन हो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। अभी हमारे साथ आर्थिक रूप से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुके हैं, तो कुछ ठग, कुछ लोग आपको बड़ा लाभ का लालच देंगे कि आप ऐसा कर लो तो ये चीज़ें हो जाएगी, कई बार ब्याज पे, और कई बार यहाँ पर निवेश, यहाँ पर निवेश, और इस सब चीज़ों को लेकर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हम धन लगा देते हैं जो हमारे पास में बचा कुचा धन है। तो प्लीज़ दोस्तों, ये साल इस तरह की कोई गलती हमें नहीं करना है। लोग आपको लालच देंगे, और लालच ही ठग का सबसे बड़ा हथियार होता है, और हम भी ठगाते तभी जब हमें कोई लालच देता है। तो लालच बुरी बला है, ये आपको पता ही है। जो नीतिगत है, जो सरकारी है, जैसे बैंक में FD करना, ये एक रियल है, और ये चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बहुत से लोग आपको झूठे दिलासे, झूठे झांसे देकर फंसा सकते हैं, और ये बहुत से लोगों के साथ ये भी हुआ है। मैंने कई सारे जातकों से बात की, तो उसमें कि उभर कर बहुत बड़ी बात आई कि हमने वहाँ पर पैसे दिए और डुबा दिए और इस तरह की चीज़ें। तो पैसे सेव करें, और पैसे जो हैं, कभी भी अपने जीवन में धन हमारे पास कितना है क्या है, वो बहुत ही प्राइवेट रखा जाता है, खुद को मालूम होना चाहिए, बाकी पब्लिकली नहीं होना चाहिए। हाँ, सरकार को इनकम टैक्स जो आप भरते वो बिल्कुल होना चाहिए, मैं उसके वो होना भी चाहिए, और हमारा ये जिम्मेदारी है, लेकिन निजी तौर पर केवल हमें पता होना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि लोगों को धन देखकर ज़रूरतें पड़ जाती है, और फिर इसमें कई बार आपसी खटास उत्पन्न हो जाती है। तो बड़ा लाभ के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति आपको बड़े लाभ का लालच दे तो प्लीज़ इस दरमियान, इन महीनों में आपको सावधान रखना है। जैसे कि सेंसेक्स बहुत हाई हो रहा है और वो कई सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है, तो उस पर भी बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स मिलते हैं, तो प्लीज़ सावधानी बरतें, निवेश से बचें, पैसे अपने पास रखें, सेविंग करें, बैंक में अपने FD करके जमा रखें। फिलहाल ओम नमः शिवाय।